नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रपोजिशनल लॉजिक पर। तो दोस्तों अभी डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और वही जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे और आइए इस वीडियो में एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं नेचुरल लैंग्वेज वाले फॉर्मेट पे। तो ऑफकोर्स एक स्टेटमेंट आपके पास दिया होगा, उस स्टेटमेंट को हमको कन्वर्ट करना है आप बेसिक अपने प्रपोजिशनल स्टेटमेंट में और उसके बाद देखेंगे कि कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो अगेन इट इज़ अ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन और दो आर्ग्यूमेंट्स पूरे पूरे हमको दिए गए थे और हमको बताना है दोनों आर्ग्यूमेंट सही हैं, एक सही है। ऑफकोर्स स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं तो एक बार चेक करते हैं पहले। तो पहले आर्ग्यूमेंट की पहले बात करूंगा, इट सेज। तो आर्ग्यूमेंट में आप जानते हैं दो स्टेटमेंट या प्रेमिसेस हमारे पास है, उस बेस पे कंक्लूजन डिराइव हमको करना है। तो बोला है, इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड। तो मेरे ख्याल से इसको लिख सकता हूँ, इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड। तो अगर रेन होगी तो गेम नहीं होगा, मैच नहीं होगा। तो देखिए सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से जो काम यहाँ पर है इस तरह के क्वेश्चन में वो है कि स्टेटमेंट पढ़ के उसको प्रपोजिशन में कैसे ट्रांसलेट करें। करते हुए कभी कभी गलती हो सकती है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, तो मैंने लिखा आर तो मतलब रेन और पी मतलब मैच प्ले होगा, तो नेगेशन पी कर दिया क्योंकि बोल रहा है मैच प्ले नहीं होगा। फिर बोला है द मैच वॉज प्लेड, तो ऑफकोर्स आपके पास मिल गया पी एंड इट इंप्लाइज अ कंक्लूजन दैट देयर वॉज नो रेन। तो कंक्लूजन हमको मिला कि रेन नहीं हुआ। तो देखिए एक बार दोबारा आप देखिएगा, इफ इट रेन्स इन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, पहला स्टेटमेंट। बोल दिया मैच वॉज प्लेड तो लेट मी हैव टेकन पी, और फिर बोला देर वॉज नो रेन तो नेगेशन मिला आपको आर। अब फिर वही कहानी, बड़ा बेसिक सा छोटा सा आर्ग्यूमेंट है ये, तो हम तो इससे मुश्किल मुश्किल आर्ग्यूमेंट सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आप मुझे बताओ नेगेशन आर, कंक्लूजन से बोला आपको बात स्टार्ट करेंगे, जरा ढूंढ के बताओ नेगेशन आर कहाँ पे है। तो नेगेशन आर यहाँ पर नहीं है और आपके यहाँ पर है आर। और आपको बताया जब इस तरह का फॉर्मेट हो तो क्या करना होता है, बिल्कुल सही कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्मेट यूज करेंगे दोस्तों। तो घुमा देते हैं इसको एंड आई थिंक इट विल बिकम पी टेंस टू नेगेशन आर। ऐसा क्यों, दोबारा इस बात को कर सकता हूं, अगर पी इंप्लाइज क्यू लिखा है तो उसको लिखा जा सकता है नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी। इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि डायरेक्शन दोस्तों हमने चेंज की और साइन भी हमने चेंज कर दिए हैं, तो आर टेंस टू नेगेशन पी सेम एज पी टेंस टू नेगेशन आर। और अब तो वैसा समझ गया, पहले डायरेक्टली भी लगा सकते थे बट अब तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान फॉर्मेट ये हो गया है, बिकॉज पी आपके पास है, पी आपके पास है तो पी अगर पी होगा तो नेगेशन आर होगा, और पी आपके पास है तो क्या नेगेशन आर भी है, जी बिल्कुल है। इसका मतलब दोस्तों आर्ग्यूमेंट बिल्कुल वैलिड है ना। डायरेक्ट मोटर स्टॉलेंस हमने लगाया है, ये नाम याद करने देखो जरूरी नहीं हो तो अच्छी बात है, बाकी तो रीजनिंग है, आप डायरेक्टली भी अप्लाई करोगे तो आपको समझ आएगा। आइए अगला स्टेटमेंट ट्राई करते हैं, इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, आई थिंक बिल्कुल सेम बात बोला है। इफ इट रेन्स देन द क्रिकेट मैच विल नॉट बी प्लेड, प्ले नहीं होगा, और बोला है इट डिड नॉट रेन, तो देखिए रेन यहाँ पर नहीं हुए एंड कंक्लूजन क्या निकाला दोस्तों, मैच वॉज प्लेड, मैच प्ले किया गया है। तो ऑफकोर्स देखिएगा आर से इम्प्लाई किया गया था क्या नेगेशन पी, और आपके पास है दोस्तों नेगेशन आर, तो ऑफकोर्स पी तक पहले पहुंचना होगा, तो पी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ भी करेंगे ना कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, रीज़न क्या है, आप इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्मेट भी लिख लीजिए, बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव फॉर्मेट से आपको मिलेगा दोस्तों पी इम्प्लाइज नेगेशन आर, पी इम्प्लाइज नेगेशन आर। और बेसिक सी बात है कि अगर ऐसा भी मैंने किया तो भी अगर P होगा तो R होगा, और अगर R है तो क्या P होगा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर P होगा तो Q होगा, और अगर Q है तो क्या इससे P इम्प्लाई कर सकते। देखिए पहले मैंने बात की थी अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप पास होंगे, और आप पास हो गए तो क्या आपने पढ़ाई की, नहीं देखिए ऐसा नहीं बोला जा सकता, मजाक की बात है, बट हो सकता है बिना पढ़ाई करे भी आप पास हो गए हो। तो P से Q डिराइव किया जा सकता है, Q से P डिराइव नहीं किया जा सकता, और यहाँ पर P जो है वो P ही है, Q जो है वो नेगेशन R है, और नेगेशन R से P तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये आर्ग्यूमेंट जो है गलत है। तो ऑप्शन से बात करूँ तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन यहाँ सही बैठना चाहिए, बिकॉज ए जो है वो सही आर्ग्यूमेंट है और बी जो है वो सेकेंड जो था वो गलत है A2। तो दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हर बार वही काम करना है, जो मैंने आपको फॉर्मेट पे पहले प्रैक्टिस करा दिया है वो मोर देन सफिशियंट है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको इन्हीं फॉर्मेट्स पे आपको समझना
करना है, उन्हीं फॉर्मेट्स पे ट्रांसलेशन करना है, और बस फिर बेसिक रीजनिंग के जो लॉ हमने समझा उनको अप्लाई कर देना है। अगर तब भी समझ नहीं आता तो ऑफ कोर्स जो ऑप्शंस मैंने आपको बताया है, आप चाहें तो इसको बूलियन अलजेब्रा यूज करके भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, या फिर दोबारा आप चाहें तो उसके लिए ट्रुथ टेबल मेथड भी बना सकते हैं। बट मेरे ख्याल से इतना करने की जरूरत नहीं, एक बार बेसिक आइडिया आपको समझ आए तो प्रपोजिशन का कोई भी स्टेटमेंट दोस्तों सॉल्व होने वाला है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी फॉर्मेट पर। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और अगेन वही जो स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया गेट 2017 में, तो रीसेंट ईयर पेपर है। अब आप समझिएगा, यहाँ पर तो लॉजिकली आर्ग्यूमेंट भी सॉल्व नहीं कराया गया है, बस एक स्टेटमेंट था उसका कन्वर्जन कर दिया गया है और आपसे पूछा है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, मैंने दोबारा आपसे बात की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप किस तरह स्टेटमेंट ट्रांसलेट करते हैं। अगर एक बार आपने ट्रांसलेशन लॉजिकली सही किया ना दोस्तों, तो आगे का काम मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाता है। फिर तो बस हमको आर्गुमेंट चेक करना होता है, जो प्रिंसिपल्स हैं आर्गुमेंट वैलिडिटी के वो हमने पहले सीखे हुए हैं, और मजे की बात यहां पर तो वो भी नहीं करना था। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या था, इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लेजेंट, कॉमा लगा दिया है, इसका मतलब ये एक पार्ट हो गया हमारा। फिर बोला है एंड इट इज नॉट प्लीजेंट ओनली इफ इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, और क्या क्या कंक्लूजन है। तो प्लीजेंट कोल्ड रेनिंग के लिए अपने वर्ड्स आपको यूज नहीं करने, इन्होंने पहले से बताया है कि पी इट इज रेनिंग, क्यू इट इज कोल्ड एंड आर इट इज प्लीजेंट। और देखिए कितनी शानदार ट्रिक खेलते हैं गेट में, अगर आप ध्यान नहीं दें और हल्का सा मिस कर दें तो आपको ऐसा लगेगा आर मतलब रेन और पी मतलब प्लीजेंट, जो बचा वो है क्यू, है ना। और उसके बाद आप सोचना स्टार्ट करिए इफ इट इज रेनिंग नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लीजेंट, तो मुझे सोचना लगेगा अच्छा इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब पी, और यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ नजर नहीं आएगा और दिमाग चकरा जाएगा। बट जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसने क्या शैतानी की है, इसने आर माना है प्लीजेंट के लिए और पी माना है रेनिंग के लिए, लॉजिक रिवर्स कर दिया है। तो एक ही बात का ध्यान देना था, आपकी कंसंट्रेशन कितने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस बात को चेक कर रहे हैं पे, और फिर आपके नॉलेज, तो नॉलेज तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चेक नहीं की तो हम समझ गए। तो पढ़ना चालू करता हूं, इट इज नॉट रेनिंग एंड प्लीजेंट, तो मान लीजिए पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा दूसरी चीज एक क्या, एग्जाम में जब इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आए कि आपको ट्रांसलेट नहीं करना और चार पांच लिखे हुए उसी पे चेक करना है, तो देखिए अपना आर्ग्यूमेंट लिखने की कोशिश की जा सकती है फॉर्मूला या स्टेटमेंट, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो जो ऑप्शंस आपके पास है उसी पे ट्राई करें, अगर सही मिला तो वेरी गुड, गलत मिला तो इसका मतलब अगले पे चेक करेंगे, बिकॉज हो सकता है आप भी सही लिखें लेकिन उसने जो सही लिखा हो वो दोनों आपस में मैच नहीं करें। यहाँ पर हमने सीखा है कि एक चीज़ को लिखने के दोस्तों अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो ऑटोमेटा है चाहे वो प्रपोजिशन है। मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि आप खुद भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं बट फिर उसको दोबारा वेरीफाई कराना पड़ता है, तो बेटर है कि जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसी पे हम वेरिफिकेशन करें। तो यहां से चेक करते हैं, बोला है इट इज नॉट रेनिंग एंड इट इज प्लीजेंट, अब रेनिंग के लिए इसने यूज किया है पी और प्लीजेंट के लिए इसने यूज किया है आर, तो मेरे ख्याल से पहली बात मैच कर रही है, इट इज नॉट रेनिंग बिकॉज इट इज पी एंड इट इज नॉट प्लीजेंट सो इट इज आर। लेकिन मजे की बात है कि सारे के सारे ऑप्शन में इसने सेम ही बात लिखी है, तो इससे कुछ सीखने के लिए नहीं मिला, और आगे किया है एंड तो फिर लगा दिया एंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोला, इट इज नॉट प्लीजेंट ओनली If it is raining and it is cold, it is not pleasant. Conclusion पहले मतलब logic हमारे पास है, it is not pleasant, pleasant नहीं होगा, only if it is raining and it is cold. तो देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, condition क्या है और conclusion क्या है, it is not pleasant, pleasant नहीं होगा, if it is not raining and cold. तो देखिए एक बात आपको समझना है, pleasant जो है वो यहाँ पर हमारा काम कर रहा है जो लिखा है R के लिए, तो not R, और implies if it is raining and it is cold, तो यहाँ पर हमारे पास है क्या P conjunction Q, तो मेरे ख्याल से पहला ही ऑप्शन बड़ा obvious है, जो देखते ही समझ आता है कि पहला पार्ट तुमने समझ ही लिया था, दूसरा पार्ट it is not pleasant if it is raining and it is cold, तो दोबारा समझिएगा क्या कंडीशन और क्या कंक्लूजन है।
इट इज़ नॉट प्लीजेंट इफ इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, तो लॉजिकली कंडीशन है हमारा प्लीजेंट, प्लीजेंट जो है वो है नेगेशन आर नॉट प्लीजेंट जो हम रिप्रेजेंट कर पाए हैं, और फिर इट इज़ नॉट रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, तो इफ इट इज नॉट रेनिंग एंड कोल्ड तो वही कंक्लूजन दोस्तों हमको मिल गया, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी। तो बाकी ऑप्शन पर मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये बात देख के हम समझ सकते हैं। तो ऑफकोर्स वही पैटर्न है दोस्तों जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आइडिया आपको समझ आ रहा होगा, बस यही काम हमको बार बार करते चलना है। जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे, स्टेटमेंट समझना है, उसको ट्रांसलेट करना है। यहां पर तो सिर्फ ट्रांसलेशन पूछा था, अगर कोई लॉजिक की भी बात करे तो आपको उसको कंक्लूड करना होगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसी तरह वीडियोस लाइक करते रहिए, और मेरे ख्याल से भी बहुत प्रैक्टिस हमने कर ली है स्टेटमेंट्स पे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी मुझे मिल रहे हैं। और अब दोस्तों बात स्टार्ट करूंगा क्वांटिफायर से, तो बहुत टाइम हो गया हमने बेसिक लॉजिक डिस्कस किया है, तो अगली वीडियो से दोस्तों बात करेंगे क्वांटिफायर्स की। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है, और लाइक यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या है, प्रेडिकेट कैलकुलस क्या होता है, तो दैट विल बी अ 2 मार्क क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लास है और समय लगता है उसको डिस्कस करने में, एक्चुअल लॉजिक समझने में। तो दोस्तों मुझे दीजिए थोड़ा समय और बहुत जल्दी हाजिर हो, तो अगली वीडियो के साथ क्वांटिफायर से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।